आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू मेडिकल स्टोर खोलते समय कौन कौन सी दवाइयां आपको रखनी चाहिए और कौन कौन सी दवाइयां आप नहीं रख सकते हैं। मेन पॉइंट ये बनता है कि आपको कौन कौन सी दवाइयां नहीं रखनी है। सो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहली कैटेगरी आती है पेन किलर्स मेडिसिन। बेसिकली पेन किलर में जो आपको कंपलसरी है वही मेडिसिन बताई जा रही है। कुछ अन्य मेडिसिन भी हो सकती है लेकिन कंपलसरी मेडिसिन ही यहाँ बताई जा रही है। काफ़ी मेडिसिन छूट सकती है बट आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, पैरासीटामॉल आपको रखना है, आइबुप्रोफेन के साथ पैरासीटामॉल रखना है, सिक्लोफेनेक के साथ रखना है, डाइक्लोफेनेक के साथ रखना है, असिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल सेरासियो पेप्टिडेस रखना है, असिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल क्लोरजोक्साजोन रखना है। किसी को चोट वगैरह लगी है, हाथ पैर में ऐठन हो रहा है, मांसपेशियों में ऐठन है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में असिक्लोपैरा और क्लोरजोक्साजोन कॉम्बिनेशन की मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और मेडिकल स्टोर खोलते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए कि आप जिस एरिया में खोल रहे हैं वहाँ के डॉक्टर से थोड़ा सा संपर्क करें और जानने की कोशिश करें कि वहाँ के डॉक्टर क्या क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, बात कर लेते हैं कुछ अन्य ड्रग भी है जैसे कि निमोसलाइड के साथ पैरासीटामॉल, मेफनमिक एसिड के साथ पैरासीटामॉल, किटोरोलैक, दांत वगैरह दर्द कर रहा तो किटोरोलैक का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है तो किटोरोलैक भी रखना चाहिए। ओके, बात कर लेते हैं कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन के अंतर्गत लियोसेट्रिजिन रखेंगे, सेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन, फेनरामाइन एंड डेक्सामेथासोन, बीटा मेथासोन, प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये सब कुछ स्टेरॉयड दवाइयाँ हैं, मतलब एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, इस सबको आप रख सकते हैं। कुछ अन्य ड्रग भी है जो कि एंटी स्पास्मोडिक में आती है, मतलब पेट वगैरह दर्द के लिए कुछ ड्रग रख सकते हैं। यहाँ जो है दवाओं का जेनरिक नेम ही बताया जा रहा है, आप कोई सा भी ब्रांड नेम से रख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि आपके एरिया में कौन सा ब्रांड नेम चल रहा है, वरना आप ला करके रख लेंगे और आपकी दवा बिकेगी नहीं, आपका मेडिकल स्टोर टूट भी सकता है। ओके, पेट दर्द के अंतर्गत डाइसाइक्लोमीन रखेंगे, डाइसाइक्लोमीन के साथ पैरासीटामॉल एंड ड्रोटावेरिंग प्लस, यहाँ देखिए ड्रोटावेरिंग के साथ मेफनमिक एसिड भी रख सकते हैं, ड्रोटावेरिंग के साथ असिक्लोफेनेक आता है, इसको भी रख सकते हैं। हर एक चीज़ का अलग अलग काम है और अलग अलग जगह जो है यूज की जाती है और अलग अलग जगह जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली सब पेट दर्द की ही है लेकिन किस कंडीशन में कौन सी दवा देनी है ये जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली कुछ है गैस से संबंधित मेडिसिन जैसे कि रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, रेबीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन, मतलब उल्टी वगैरह किसी को हो रही है, उल्टी वगैरह की शिकायत लग रही है गैस बनने के कारण, तो ओमेप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन रख सकते हैं, पेंटोप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन, रेबीप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन रख सकते हैं। कुछ ही जो है गैस से संबंधित मेडिसिन हो गई, कुछ उल्टी की मेडिसिन भी आप रख सकते हैं जैसे कि ओंडांसेट्रान हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, प्रोक्लोरपेराजिन हो गया। बेसिकली प्रोक्लोरपेराजिन जो है उल्टी और चक्कर दोनों को कम करेगा, मेटोक्लोप्रामाइड भी जो है उल्टी के साथ चक्कर को कम करेगा, तो कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिसको आप रख सकते हैं। एंटीवर्टाइगो मेडिसिन, एक मिनट, ये जो एंटीवर्टाइगो मेडिसिन है बेसिकली प्रोक्लोरपेराजिन रखेंगे, सिन्नारिजिन रखेंगे, बीटा हिस्टेन रख सकते हैं। ये सब जो है मोस्टली यूज मेडिसिन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं। यहाँ जो भी मेडिसिन आपको बताई जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा यूज होती है इसीलिए बताई जा रही है। वीडियो को थोड़ा फास्ट हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। बेसिकली कुछ अन्य मेडिसिन है जैसे कि एंटी डायरियल मेडिसिन में लोपरामाइड रखेंगे, इंटेरोक्यूनाल रखेंगे और लैक्टिक एसिड बेल्सस वगैरह, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, काफ़ी कम्बिनेशन आता है रख सकते हैं, बट एक बार डॉक्टर से परामर्श कर लेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ओके, आपके लिए वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं सो अभी से लाइक कर दें। बेसिकली कुछ लैक्जेटिव मेडिसिन हैं, यहाँ देखिए लिखा गया है बिसाकोडिल टैबलेट रख सकते हैं, क्रेमाफिन सिरप रख सकते हैं, इलेक्ट्रोलोज एंड पैराफिन लिक्विड, इन दोनों लिक्विड को जो है आप रख सकते हैं, मोस्टली बिकता ही है। जो यहाँ दवाइयाँ बताई जा रही हैं वो जो है मोस्टली बिकती ही हैं। बेसिकली विटामिन मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन में कुछ रख सकते हैं जैसे कि बेकासोल हुआ, न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन हुआ, टैबलेट हुआ, कैल्शियम का टैबलेट हुआ, मल्टी विटामिन कैप्सूल, विटामिन ए, विटामिन सी, साइप्रोहेप्टाडीन सिरप टैबलेट, एंजाइम सिरप रख सकते हैं, अल्बेंडाजोल का सिरप टैबलेट रख सकते हैं। ओके, ये सब बहुत ही ज़्यादा यूजेबल मेडिसिन हैं। यहाँ देखिए कुछ क्रीम में बात की जा रही है, कुछ क्रीम्स आप रख सकते हैं जैसे कि पोइडिन आयोडिन, मोव रख सकते हैं, ओमनेजल रख सकते हैं, एक्निस्टार, क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल एंड थ्रोम्बोफोव रख सकते हैं।
के कुछ क्रीम्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को बताया जा रही है। बाकी काफ़ी ज़्यादा क्रीम आती है तो आप रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ दवाइयाँ जो कि नहीं रखनी होती है। सो यहाँ देखिए लिखा गया है, एक मिनट, ना रखें, मतलब इन दवाइयों को नहीं रखना है, बैन ड्रग। जो ड्रग इस समय इंडिया में बैन है आप उसको नहीं रख सकते हैं। मतलब जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहाँ जो भी ड्रग बैन है उस ड्रग को आप नहीं रख सकते हैं, और ना आपका मेडिकल स्टोर भी बैन हो जाएगा। आई होप अभी आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि आप जो है न्यू मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी दवाइयाँ रखेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और भी दवाइयाँ कुछ हैं जो कि रखना चाहिए, बट यहाँ कुछ उठाया गया है। अगर आप कमेंट करेंगे दूसरा तीसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।